देखो दोस्तों, कमेंट तो बहुत सारे आए हुए हैं तो सभी के तो रिप्लाई मैं कर नहीं पाऊंगा, लेकिन बहुत सारे कॉमन कमेंट यही हैं कि कुछ बच्चे बोले हमारी साइट नहीं खोली, कुछ बच्चे बोले हमारा रिजेक्ट हो गया। तो सबसे पहले देखो भैया, फैमिली आईडी के रीजन से जो है गलत हो गई है, क्या सोल्यूशन हो सकता है? फैमिली आईडी के ऊपर मैं सबसे पहले वीडियो बनाने लग गया था कि भैया अपनी सेम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 3 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए और ग्रे वो सख्स स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है, ये कुछ बोला था। तो अपडेट करवा लो, और अपडेट करवाने के बाद जो कुछ सॉल्यूशन होगा वो आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वाले ही कुछ कर सकते हैं दोस्तों, और कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वहाँ पर जाकर आपको डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी। इसमें अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो रिजेक्ट उन्होंने कर दिया। फैमिली आईडी आपकी गलत थी, तो वही बात है, जो डॉक्यूमेंट गलत होने के कारण तो रिजेक्ट होना ही था। अब आप डॉक्यूमेंट ठीक करवा लोगे तो आप सीधा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से बात करो कि सर मेरा ये गलत हो गया था, मैंने ठीक करवा लिया, अब आगे का प्रोसीजर बताएं। वो शायद डायरेक्ट वहाँ से ठीक कर भी सकते हैं, क्योंकि देखो एम्प्लॉयमेंट के हाथ में सब कुछ होता है, ठीक है, वो कर भी सकते हैं और ना भी कर सकते हैं, ये देखो वो वही बता सकते हैं, ठीक है। रीना चहल बोल रही है, सर सक्षम आईडी तो भत्ता अपलोड दिखा रहा है लेकिन बैंक बैलेंस में नहीं आया तो किस? देखो बैंक में आने में कम से कम कई बार तो बच्चों को 4-6 मंथ लग जाते हैं, लेकिन हमने आज तक देखते आए क्योंकि हम वीडियो बनाते आए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट, कई कई डिस्ट्रिक्ट के सवाल होते हैं, सर हमारे 4 मंथ हो गए सैलरी नहीं आई। लेकिन बेसिकली जब आपका भत्ता अपलोड हो जाता है ना, उसके कम से कम 10 दिन बाद से लेकर के 20 दिन, 10 और 20 दिन के बीच में आपकी सैलरी आ जाती है खाते में, तुरंत नहीं आती, जब अपलोड दिखा देगा जैसे कि 1 तारीख को, और सैलरी आएगी आपकी 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में आ जाती है। ये एक एवरेज टाइम होता है, लेकिन ऊपर कितना भी लग सकता है, 6 मंथ भी लग सकते हैं, ठीक है। और कुछ कमेंट और है, सोनू जी बोल रहे हैं सर मेरे को काम नहीं मिल रहा है, 2 साल हो गए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है। देखो भाई, काम का तो ऐसा है, वो काम के मैसेज तो अब नए के बराबर आने लगे। 100 बच्चों में से कम ये मान लो 5 या 7 को काम दे रहे हैं। ये मैं खुद देख रहा हूँ कि पहले जो बच्चे काम के मैसेज सेंड करते थे बहुत ज़्यादा मात्रा में करते थे, और अब तो सेंड ही नहीं करते भाई, इक्का दुक्का बच्चे का पास काम के मैसेज आते हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट कमेंट दिखाता हूँ आप लोगों को, ये हो गया क्या? हाँ ये हो गया। और यहाँ पे दिखाता हूँ भाई, आईडी तो नहीं खुली, देखो ये आईडी नहीं खुल रही। देखो आईडी खोलनी, मैंने कल भी आपको बताई थी कैसे खोलते हैं, आप हर वीडियो देखा करो। आप ये कुछ बच्चे होते हैं जो यार एक वीडियो देख के छोड़ देते हैं, वो शाम वाली वीडियो नहीं देखते, अगली वीडियो नहीं देखते, तो सारी वीडियो देखा करो, बेल आइकन नोटिफिकेशन दबा लो और हर वीडियो देखा करो, ठीक है, आपके पास वीडियो आ जाएगी। और आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, आगे से मैं टेलीग्राम पे लिंक सेंड कर दिया करूँगा, कई बार क्या होता है कि नोटिफिकेशन नहीं पूछ पाता, तो टेलीग्राम पे, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, कहीं पे भी आपको सर्च करना है तो आप सुमित श्योरण SHO यूनिक नेम है, फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और यूट्यूब, चारों जगह सिर्फ एक ही नाम चलता है भाई, कहीं पे भी सर्च कर लो, कुछ दूसरा लिखना ही नहीं है, यही मेरे यूट्यूब का नेम है, ऑलराउंडर है, कहीं पे भी सर्च करो, जो भी जहाँ पे मैंने आईडी बना रखी है वहाँ पे इसी नाम से ही आएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा और आपको क्या बताऊँ। रही बात मेल आईडी की, तो सुमित श्योरण 84@gmail.com ये मेल आईडी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वो आप वहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी, ठीक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सुमित श्योरण SHO के नाम से मिल जाएगा, और 2100 बंदे ने अपना ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। क्या काम देते हैं? देखो काम तो यही देते हैं, मतलब कोई डिपार्टमेंट में किसी भी तरह का काम दे सकते हैं, सर्वे काम मोस्टली देते हैं, सर्वे का काम, बाकी बैठे बैठे डिपार्टमेंट काम का दे सकते हैं, कंप्यूटर टाइप दे सकते हैं टाइप, या कुछ कागज़ कार्रवाई काम दे सकते हैं, ऐसे ही कुछ नॉर्मल सा काम, क्योंकि आप बड़े ईजिली से कर लोगे, ऐसा कुछ हैवी काम नहीं होता, बड़े ईजिली से कर लोगे, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। और सर मेरा अप्लीकेशन स्टेटस अप्रूव दिखा रहा है, बट उसके लिए नीचे लिखा आ रहा है पेंडिंग फॉर एडिशन वेरीफिकेशन लिस्ट। अच्छा, अरे वो तो भत्ते का होता है कुछ, उसके लिए क्या करना होगा, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट? आप ज़्यादा, आपको अगर कुछ दिक्कत आ रही है आप मेरे को मेल कर देना, मेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जवाब मिल जाएगा, वीडियो बनाता रहता हूँ मैं मेल आईडी पे, जिन बच्चों की ज़्यादा मोस्ट प्रॉब्लम होती हैं, और जिनकी प्रॉब्लम मतलब जैसे कि आपने कुछ भेज दिया मेरे पास और आपका भत्ता ऐड नहीं हो रहा, और मेरे को पता ही भत्ता अपने आप ऐड हो जाएगा, उस टाइम में मैं उसकी मेल नहीं उठाता क्योंकि वो अपने आप हो जाता है, लेकिन बच्चों को पता नहीं होता, ठीक है। तो आप टेंशन मत लेना, जो भी आप मेरे को मेल करोगे उसके ऊपर आपकी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो आप मेल कर देना, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब सब जगह ज्वाइन कर लो, जुड़ जाओ, ठीक है। बहुत जल्दी मैं वापस आ जाऊंगा, अभी मैं विशाखापट्टनम गया हुआ हूँ, ठीक है। ओके दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट।